कल का जो अपडेट किया था कि कल वो यहाँ पर आए थे और अवैध खनन में, आपको बता दे रहे, उनका भी नाम आया था। वो एक व्यापारी है और मालवाहक जहाज जो है उसका संचालक है, गंगा नदी में जो मालवाहक जहाज चलती है। उन्होंने कल, जैसा हमने आपको बताया था, कि संजय दीवान भी यहाँ मौजूद थे जो कि ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है, वो रोने लगे थे, फूट फूट कर। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, आज जो खबर निकल के आ रही है कि उन्होंने कहा कि दाहू यादव और बाकी सब आरोपियों से ईडी पूछताछ क्यों नहीं करती, उन्होंने उल्टा अधिकारियों को ही कहा, ईडी के अधिकारियों को, संजय दीवान ने रो रो कर, कि आप उन लोगों से पूछताछ करिए और बाकी जो 14 लोग हैं उनसे पूछताछ करिए, मैंने कुछ नहीं किया है, इन सब ने मिलकर मुझे फंसा दिया गया है, मुझे फंसाया है, मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है, मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ। ये तो हो गई संजय दीवान की बात। और जहाँ तक बात है आज का अपडेट का, तो बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ईडी ने पहली बार अपने ट्विटर हैंडल में आधिकारिक, मतलब ऑफिशियल, उन्होंने पुष्टि की है, मीडिया को बताया है कि करीबन दाहू यादव और उनसे जुड़े हुए जितने भी आरोप, पंकज मिश्रा जो कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि है, पंकज मिश्रा उनके सहयोगी जितने हैं, उनको मिला के लगभग 37 बैंक अकाउंट है जिसको सीज किया गया है और उनमें से लगभग 12 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। जी हम आपको बताते चले कि बीते पिछले हफ्ते जब वहाँ पे रेड पड़ा था पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी के घर में, तो करीबन 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में जो है वो पैसे बरामद होने की बातें कही जा रही थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन अब फिर से लगभग 12 करोड़ रुपए जब्त हुए और ये 12 करोड़ आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया है ईडी ने ट्विटर हैंडल में, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ईडी ने साफ तौर पर ट्विटर हैंडल में ये जानकारी मीडिया को दी है। इसके साथ ही अब जो और खबरें निकल के साथ आपको बताते चले कि सिर्फ बातें जो है मनरेगा घोटाला से ये निकला था, बात खनन तक पहुंच गया और ईडी को ये भी जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि ईडी सिर्फ ये 12 करोड़ तक ही सिमट के नहीं रहने वाली है। ईडी ने एक जानकारी और दी है कि टोटल कैश अभी हमारे पास 36 करोड़ लगभग हो चुका है, जो कि ट्वीट में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ईडी को जो जानकारी अब मिल रही है, इनपुट मिल रही है अंदर से अपने खुफिया एजेंसियों से, कि सिर्फ 36 करोड़ तक ही बात सीमित नहीं है, बल्कि इन लोगों ने, जितने भी आरोपी थे जिनके घर में छापामारी हुई थी करीबन 19 लोग, इन सब ने मिलकर अवैध खनन से और जो अवैध तरीके से दूसरे देश और अलग जिले को पहुंचाए जाते थे गंगा नदी तट के माध्यम से, उनमें से करीब 100 करोड़ की इन लोगों ने मिलकर कमाई की है। जी अपने आप में बहुत बड़ी रकम है और बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि 100 करोड़ आप समझ सकते हैं, ये बहुत भारी भरकम पैसा होता है। ये कहीं ना कहीं लोगों के विकास में लगना था। आपको बता दें झारखंड और स्पेशली साहिबगंज, ये खनन का राजा कहा जाता है साहिबगंज जिला को, क्योंकि वहाँ पे स्टोन, चिप्स और जितने भी ये मिनरल्स हैं वो बहुत अधिक अबंडेंट, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वहाँ से अगर आप 100 करोड़, आप समझ सकते हैं अगर वो 100 करोड़ जनता के हित में यूज होता तो झारखंड, अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड बने हुए 2000 यानी लगभग 22 साल होने जा रहा है, लेकिन झारखंड अब तक डेवलप क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो 100 करोड़ 200 करोड़ जो खनिज, झारखंड जो पूरी पूरी की पूरी तरीके से खनिज ओरिएंटेड स्टेट है, जहाँ पे खनिज का भंडार जो है पूरे इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है झारखंड, वो इतना गरीब क्यों है? यहाँ के आदिवासी इतने गरीब क्यों है? अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग गरीब क्यों है, क्योंकि पैसा एक्चुअली जहाँ लगना था वहाँ लग नहीं रहा है, बल्कि कुछ सिंडिकेट के हाथ में पैसा जमा हो रहे हैं। ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आप बता दें कि कल हमें जो जानकारी मिली है, कल हम जहाँ यहाँ पे आए थे तो पंकज मिश्रा को फिर से कल समन, कल हमने बताया था कि कल उनको पेश होना था, जी हाँ कल, लेकिन उनके पेट में फिर से दर्द होने लगा। जी हाँ, जब भी वो ईडी कार्यालय को सुनते हैं, उनके अधिकारी का समन जाता है, तो नहीं पता क्यों उनके पेट में बार बार दर्द हो जाता है। तो अभी तक वो साहिबगंज में इलाजरत है, कल भी वो नहीं आए, लेकिन ईडी ने कहा, ईडी ने कह दिया है कि जब वो ठीक होंगे फौरन उनको समन किया जाएगा और फौरन उन्हें आना पड़ेगा, जब तक वो इलाजरत है तब तक उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है। ऐसा ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए जैन भारत, मैं शिखा सर अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।